हेलो एवरीवन, विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्यारे प्यारे फूलों की तरह महकते हुए सुंदर फूलों की तरह आप सभी का जीवन, जो खुद फूलों की तरह निर्मल कोमल प्यारे हृदय के हैं, सबके जीवन सुखमय हो, खुशियों से भरा हो और हंसते हंसाते पूरा जीवन अच्छे से आपका ये साल व्यतीत हो, ईश्वर से मेरी यही कामना है। अब हैप्पी न्यू ईयर है तो कुछ हैप्पी हैप्पी बातों से शुरुआत करते हैं। एक दिन रात को 2 बजे पत्नी के मोबाइल की लाइट ब्लिंक की, मैसेज आया। पति ने देखा, लिखा था ब्यूटीफुल, फिर क्या था, भड़क के पत्नी को उठाते हुए कहा, इस उम्र में भी रात को 2 बजे ब्यूटीफुल मैसेजेज आते हैं। पत्नी उठी, चश्मा लगाया, देखा और अपनी कोहनी से मारते हुए पति का स्वागत किया और कहा कि आपकी भी उम्र हो गई है, चश्मा लगाइए, देखिए ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। और एक महोदय मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे कि उनके मित्र मिल गए, बोले और आजकल कैसी कट रही है जिंदगी। दोस्त ने कहा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, सुबह सुबह उठता हूँ, गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ, थोड़ी ज़्यादा बना लेता हूँ, पत्नी को पिलाता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, टिफिन पैक करता हूँ, बाकी काम घर का समझा के दैया को ऑफिस चला जाता हूँ। लौटते वक्त इवनिंग वॉक करता करता घर के लिए जो भी चाहिए, फल फूल सब्जी घर का सामान लेकर आ जाता हूँ, चाय पीता हूँ, रात का डिनर बनाता हूँ, लगे हाथ बर्तन भी साफ कर लेता हूँ, तुम तो जानते हो मुझे मेरे ही हाथ का काम पसंद है, और बस डिनर करते हैं प्यार से हंसते हंसते, और सोने से पहले 2-4 मिनट पत्नी के पाँव दबा देता हूँ, यू नो हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और तुम्हारी कैसी कट रही है? दोस्त ने कहा, जिंदगी तो मेरी भी गधे की तरह ही कट रही है, मगर तुम्हारी तरह बयान करना नहीं आता। और फ्रेंड, अभी मैं आपको बता दूँ, एक बात और बताना चाहूँगी, इस ईयर मैं कहीं भी फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा पाई थी वायरस के चलते। वैसे नॉर्मली जाती भी नहीं हूँ क्योंकि बजट ही नहीं है। और आप लोग मुझसे कुछ संपर्क करना चाहें तो बता दूं, अभी मैं सपनों में पेरिस में हूँ। आई होप ऐसे ही हंसते हंसाते सबका साल अच्छा हो, मंगलमय हो। विशिंग यू वंस अगेन, विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे सेफ, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन। गॉड ब्लेस अस ऑल।